हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यू चैनल के अंतर्गत। यदि आप पेट के बीमारी से बहुत परेशान हैं, बहुत तरह का दवा आपने खा लिया है, होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद, उसके बाद भी आपका बीमारी ठीक नहीं होता है, तो हम उसका उपाय बताएंगे कि आपका पेट का तकलीफ, आपका ये जड़ से कैसे चला जाएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि औरत हैं और उन्हें हिस्टीरिया यानी मूर्छा आ रहा है गैस की वजह से और काफ़ी घबरा रही हैं और उन्हें धड़कने हमेशा तेज रहता है और उन्हें हमेशा डर भय लगा रहता है, उन लोगों के लिए एसाफोडीटा होम्योपैथिक दवा बहुत ही अच्छा काम करता है। एसाफोडीटा आपको क्यों लेना है? ये हींग से बना हुआ है, बहुत प्रसिद्ध है गैस की बीमारी की वजह से। यदि महिला है और उन्हें मूर्छा आ रहा है पेट की तकलीफ की वजह से और तरह तरह का उन्हें कंप्लेन मिलता है, भूत का डरती हैं ज़्यादा, उनके लिए बेहतरीन है। और पुरुष में भी उनको जिन्हें गैस बराबर रहता है और हमेशा पेट के तकलीफ से उन्हें शिकायत रहती है, पेट का तकलीफ हमेशा रहता है, उन लोगों के लिए भी आपको एसाफोडीटा क्यू मदर टिंचर होम्योपैथिक दवा बहुत ही अच्छा काम करता है। पुरुष होते हुए भी आपको घबराहट, डर, भय, बेचैनी यदि आपको लगता है तो ये दवा आपको बहुत कम कर देगा। यानी स्त्री हो या पुरुष हो, उन्हें विभिन्न तरह का डर, भय, घबराहट, बेचैनी पेट के बीमारी की वजह से यानी गैस की वजह से होता है, तो एसाफोडीटा वही बेहतरीन आपको काम करता है। हमने कई लड़कियों का इस दवा से हमने ठीक कर दिया है, आप प्रयोग करके देखिए, सफलता मिलेगी। पेट के बीमारी में आप चाइना, लाइकोपोडियम, नक्सभूमिका, कार्बोवेज, न जाने आप होम्योपैथी के कितने अच्छे अच्छे दवाओं का प्रयोग कर लिए हैं, उसके बाद भी आपका बीमारी ठीक नहीं होता है। और एलोपैथ में ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटेप्राजोल, ओसिड, तमाम तरह का इनो, बहुत लोगों का कुछ सलाइन भी हो गया रहता है, और इस तरह से वो तमाम तरह के दवा लेने के बाद में भी यदि पेट आपका ठीक नहीं होता है तो आप होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पेट के बीमारी में जैसे आपका पेचिस हो गया, बार बार पैखाना होना, कोई भी खाना नहीं पचना, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होना और पेट में हमेशा दर्द बना रहना, जिसके चलते हमेशा टेंशन आना, बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाते लगाते यदि आप चकरा कर गिर गए हैं और उसके बाद भी आपका पेट का बीमारी ठीक नहीं होता है, तो आपका इसमें बेहतरीन ढंग से होम्योपैथिक के इलाज से आपका ठीक हो जाएगा। हम इसके बाद में, उम्र है 60 साल का लेकिन वजन मात्र 35 kg है जिस महिला का, उसका हम एक दिन आपको प्रसारण करेंगे। उस महिला को हुआ क्या था, तमाम तरह का ट्रीटमेंट चलने के बाद में भी, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाने के बाद में भी उनका पेट का बीमारी ठीक नहीं हुआ था और होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल उनका ठीक हो गया। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि फाइलेरिया, 66 साल का फाइलेरिया यानी 1957 का फाइलेरिया 2017-18 में आकर होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक हो गया, लाइव आपने देखा है। ठीक उसी तरह से यदि आपको सिम्टम मिलता है, पेट की बीमारी यदि पकड़ में आ जाता है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। उसके अतिरिक्त आपको पेट में दर्द है, पथरी है, गैस्ट्राइटिस है, पेट में हमेशा दर्द बना रहता है, फूला रहता है, कभी फूलता है, कभी झड़ता है, और तमाम तरह के परहेज वाले आपको खाना भी खाते हैं, तेल मसाला भी बिल्कुल छोड़ दिए हैं, हर तरह से आपने अपने को एकदम परहेज में बांध लिए हैं, उसके बाद भी आपका गैस बनना, पेट झड़ना, पेट फूलना, उल्टी जैसा मन, डकार रहना, हमेशा पीला पीला पेशाब रहना, कभी पेशाब साफ न रहना, हमेशा हेडेक, सर में दर्द, कुछ ना कुछ हमेशा हुआ ही रहता है। ऐसे मरीजों के तकलीफ के लिए
होम्योपैथिक दवा बेस्ट है। हम ज़्यादा दवा आपको नहीं बताएंगे, इसलिए कि आप सभी दवा को लेकर खाना शुरू कर देंगे और आपको याद भी नहीं रहेगा। और इस तरह से कम हम दवा बताने की कोशिश करते हैं। यदि बहुत ज़्यादा आपको पेट में गैस है, मूर्छा है, घबराहट है, बेचैनी है, कहाँ जाए, कहीं जान भी न चल जाए मेरा, कहीं मर न जाए, तरह तरह के आपको कल्पना आता है और पेट में हमेशा फूला रहता है और किसी भी तरह से पेट का गैस नहीं निकलता है, तो आप एसाफोडीटा होम्योपैथिक दवा 10 बूंद एक कप पानी में अथवा 5 बूंद आप ले सकते हैं। पहले 5 बूंद ही एक कप पानी में लेनी चाहिए और इसके बाद में 10 बूंद करनी चाहिए। और इसे आप देख सकते हैं कि जो मूर्छा आता है गैस की वजह से, बेहोशी होता है, डर भय लगता है, ये ख़त्म हो जाएगा। ये प्राथमिक उपचार के लिए ही ये दवा है। और आगे परे आपका पेट का तकलीफ बहुत ज़्यादा है, पेट झर रहा है, फूल रहा है, उल्टा ढकार आ रहा है, पेट का साइज आपको बहुत ज़्यादा पेट बढ़ते चला जा रहा है, हमेशा गैस बना रह रहा है, तो होम्योपैथिक दवा के इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यदि पेट संबंधी बीमारी, पेट के गैस के वजह से पेट बहुत बड़ा आपका रहता है, हमेशा आप फिट नहीं रहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980-1757-533 पर आप पेट संबंधी बीमारी के लिए राय ले सकते हैं। आप लाख दिखा ले हैं, बड़े बड़े चिकित्सक अस्पताल के यहाँ से होम्योपैथिक दवा पर आप विश्वास कीजिए। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि होम्योपैथिक दवा के सेवन से आपका पेट का बीमारी बिल्कुल जड़ मूल से चला जाएगा और वो भी बिना साइड इफ़ेक्ट के। हम समझते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर अवश्य करें। पेट संबंधी बीमारी यदि हो गया है तो आपको बहुत ज़्यादा डर, घबराहट, बेचैनी, उसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी होता है जिससे आपको काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे खाना खाते हैं पैखाना आपको जाना पड़ता है, जैसे आप कहीं पर यात्रा जर्नी के निकलते हैं पैखाना आता है, और नहीं खाने के बाद में भी पैखाना बहुत ज़्यादा होता है। नहीं खाने के बाद में भी पैखाना जिन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, उनको भयंकर गैस की बीमारी है और हमेशा बोलते हैं कि नहीं बचेंगे, नहीं जिएंगे, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में भी आप मरेंगे नहीं। ये गैस की बीमारी डरवाता है, मानसिक टेंशन देता है, लेकिन समय पर सही इलाज से आपकी मौत नहीं होगी। अब हमें आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।